प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव में सबसे चर्चित सीट रही सहाड़ा रायपुर विधानसभा को 2 मई को नया विधायक मिल जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। डीएम शिव प्रसाद नकाते ने बताया कि सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में 387 बूथों पर मतदान हुआ था। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में 14 राउंड में मतगणना होगी। उपचुनाव से पहले निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले लादूलाल पीतलिया के एन वक्त पर नामांकन उठाने से सीट और चर्चित हो गई थी। ऐसे में जिले के साथ ही प्रदेश के लोगों की भी इस सीट पर नजर है। इस सीट पर कांग्रेस से दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी व भाजपा से पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट समेत कुल 8 प्रत्याशी हैं। सहाड़ा उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसमें सुबह 11 बजे तक तो विधायक कौन होगा यह स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि रुझान इससे पहले ही मिलने लगेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ ना हो इसके लिए थोड़ी सख्ती बरती जाएगी। यही नहीं, COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी के नमूने लिए जा चुके हैं। मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद नकाते वे कानून व्यवस्था को जांचने SP विकास शर्मा कॉलेज पहुंचे और कर्मचारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।